बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर ही अपने बेखौफ बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में आ जाती हैं। अपने बयानों के चलते कई बार कंगना को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। एक्ट्रेस के खिलाफ अलग अलग मामलों में केस भी दर्ज किए जा चुके हैं। अब इसी बीच कंगना को जान से मारने की भी धमकी मिली है, जिसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट के जरिए किया है। कंगना ने इंस्टाग्राम के जरिए कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मुंबई में हुई आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए मैंने लिखा था कि गद्दारों को कभी माफ नहीं करना, ना ही भूलना। इस तरह की घटनाओं में देश के अंदरूनी देशद्रोही गद्दारों का हाथ होता है। देशद्रोही गद्दारों ने कभी पैसे के लालच में तो कभी पद व सत्ता के लालच में भारत माँ को कलंकित करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ा। देश के अंदरूनी जयचंद और गद्दार षड्यंत्र रच देश विरोधी ताकतों को मदद करते रहे, तभी इस तरह की घटना होती है। मुंबई में हुई आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए मैंने लिखा था कि गद्दारों को कभी माफ नहीं करना, ना ही भूलना। मेरे इसी पोस्ट पर मुझे विघटनकारी ताकतों की तरफ से निरंतर धमकियां मिल रही हैं। बठिया के एक भाई साहब ने मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है। मैं इस तरह की गीदड़ भपकी या धमकियों से नहीं डरती। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों और आतंकी ताकतों के खिलाफ बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी। वह चाहे बेगुनाह जवानों के हत्यारे नक्सलवादी हों, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, या आठवें दशक के पंजाब में गुरुओं की पावन भूमि को देश से काट कर खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाले विदेशों में बैठे हुए आतंकवादी हों। लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन देश की अखंडता, एकता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और विचारों की अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार हमें बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया है। मैं किसी भी जाति, मजहब या समूह के बारे में कभी कोई अपमानजनक या नफरत फैलाने वाली बात नहीं की है। मैं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को भी याद दिलाना चाहूंगी कि आप भी एक महिला हैं। आपकी सास इंदिरा गांधी जी इसी आतंकवाद के खिलाफ अंतिम समय तक मजबूती से लड़ी। कृपया पंजाब के अपने मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि वह इस तरह के आतंकवादी विघटनकारी और देशद्रोही ताकतों की धमकी पर तुरंत कार्रवाई करें। मैंने धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज की है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी जल्द कार्रवाई करेगी। देश मेरे लिए सर्वोपरि है, इसके लिए मुझे बलिदान भी देना पड़े तो मुझे स्वीकार्य है, पर मैं न डरी हूँ न कभी डरूंगी। देश के हित में गद्दारों के खिलाफ खुलकर बोलती रहूंगी। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए कुछ लोग मेरी बात को संदर्भ के बिना प्रयोग कर रहे हैं। अगर मुझे भविष्य में कुछ भी होता है तो उसके लिए नफरत की राजनीति व बयानबाजी करने वाले ही पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे। इनके करबद्ध निवेश है कि चुनाव जीतने की राजनीति महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी के प्रति नफरत ना फैलाएं। जय हिंद, जय भारत। कंगना का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। INS रिपोर्ट।